केवल आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव वागदे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि टॉपवर्थ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड ने शासन से बिना अनुमति लिए 15 महीनों तक संस्थान को बंद रखा। बंद के दौरान 600 श्रमिकों का वेतन भुगतान भी नहीं किया गया। श्रम विभाग के साथ बैठक होने के बावजूद मैनेजमेंट अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। वागदे ने कहा कि इस संबंध में 9 दिसंबर को मोर्चा के श्रमिक रैली निकालकर श्रम विभाग के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने सभा रखेंगे। कार्यक्रम ये है कि अभी टॉपवर्थ स्टील कंपनी है रसमड़ा में, उन्होंने शासन के बिना अनुमति के जो है 15 महीनों तक बंद रखा था। बंद के दौरान का पेमेंट 900 मजदूरों में से 300 मजदूरों को नहीं दिया और 300 मजदूरों को मिला रेगुलर और 600 मजदूरों को वेतन नहीं मिला 15 महीनों का। इस संबंध में लेबर डिपार्टमेंट एडीएम साहब के पास कई बार बैठकें हुई, फिर भी पेमेंट नहीं मिला और इसलिए जो है हमारे तरफ से दुर्ग में जो है 9 दिसंबर को रैली होगी, धरना प्रदर्शन हम करेंगे। इसलिए कि औद्योगिक संबंध अधिनियम 1947 25M ऑलरेडी कानून बना हुआ कि कंपनी किसी भी कारण से बंद हो मगर पेमेंट वर्करों को देना होगा। ये वर्कर 18 साल से काम कर रहे हैं, कंपनी इनको जो है ठेकेदारी मजदूर जो बता रही है, जबकि ये कानूनन गलत है। लेबर डिपार्ट की मिली भगत के कारण जो है ये ठेकेदारी चल रही, क्योंकि लेबर डिपार्ट जो है मिली भगत करके उनको ठेकेदारों को लाइसेंस दे रहा है। लेबर डिपार्ट ये नहीं देख रहा है कि ये काम क्या कर रहे हैं, मशीनों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो जो स्थाई काम है उसमें भी वो ठेकेदारी लाइसेंस दे रहे हैं। इसलिए इसके लिए लेबर डिपार्ट जिम्मेदार है। 15 महीने का जो तनख्वाह आज नहीं मिला इसलिए भी लेबर डिपार्ट जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं का कानून है, सरकार ने कानून बना के रखा है कि बंद के दौरान का पेमेंट मजदूरों को देना पड़ेगा, मगर ये लेबर डिपार्ट की मिली भगत के कारण मजदूरों को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे पास और क्या उपाय है, कंपनी के जो मजदूर हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला वो लोग 9 तारीख को अपना काम बंद करके दुर्ग शहर के गन चौक से जो रैली प्रारंभ करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के लिए और लेबर डिपार्ट के सामने जो धरना देंगे।